नमस्ते प्रणाम, मैं किसैनल यादव सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ मेरे पवन भैया का, तो ये पवन के समर्थन में मैं आ रहा हूँ। तो आप अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए जिस तरह खेसारी को दिए हैं। तो पवन सिंह के चुनाव प्रचार करने खेसारी लाल यादव जाने वाले हैं काराकाट। कब जा रहे हैं, क्या डेट में वो काराकाट पहुंचने वाले हैं, इसी से जुड़ा पूरा जानकारी एकदम सबूत के साथ आपका भाई इस वीडियो में लेके आ गया है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में। आज की इस वीडियो में आप लोग को बता दे मेरे भाई कि पवन सिंह के चुनाव प्रचार में खेसारी लाल यादव जाने वाले हैं। अगर आपको इस मुद्दे में कोई भी संदेह लगता है तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा सबूत दिखाने वाला हूं। आप लोगों को बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले पवन भैया का नॉमिनेशन होता है, जिस नॉमिनेशन में भोजपुरी के अन्य कलाकार वहां पर उपस्थित होते हैं, और उसी बीच खेसारी लाल यादव के पिताजी यानी कि मंगरू यादव भी पवन भैया के नॉमिनेशन में जाते हैं और इनके बड़े भाई हृदया लाल यादव भी नॉमिनेशन में जाते हैं। तो जब खेसारी लाल यादव के पिताजी को स्टेज पर बोलने का मौका मिलता है तो वहां पर वो साफ साफ कहते नजर आते हैं कि मेरा खेसारी बेटा भी आएगा और पवन सिंह का चुनाव प्रचार करेगा। अगर आप लोगों को ये चीज याद नहीं है तो साफ साफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि खेसारी लाल यादव के पिताजी क्या बोले हैं। खेसारी भी आई है, खेसारी या पवन दोनों भाई बड़े। तो यहाँ पर आप लोगों ने साफ साफ सुना कि खेसारी लाल यादव के पिता वहां पर वादा करके आए हैं कि पवन सिंह के चुनाव प्रचार में खेसारी लाल यादव भी आएंगे। तो ये तो रहा उनके पिताजी के बात, लेकिन अब आप लोग को बताते हैं कि खुद खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर के द्वारा ये बात कहा गया है कि पवन भैया के चुनाव प्रचार में खेसारी लाल यादव जाएंगे। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो ये छोटा सा इंटरव्यू आप लोगों को अखिलेश कश्यप का दिखाना चाहूंगा, जिस इंटरव्यू में अखिलेश कश्यप ने साफ साफ बोला है कि 20 तारीख के बाद खेसारी लाल यादव काराकाट जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप लोग सबूत। अब काराकाट की ओर जाएंगे, काराकाट में भोजपुरी के अधिकतर कलाकार पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक तोहरा जैसन भाई वाला भाई अभी नहीं पहुंचे हैं। वो भी 110% जाएंगे। अच्छा, हाँ जाएंगे हम लोग। हाँ, पूरी खेसारी टीम जाएगी और मुझे लगता है कि 20 से 25 के आसपास में या उसके एक दो दिन बाद। अच्छा, लेकिन जाएंगे। अखिलेश कश्यप ने साफ साफ ये बात बोला है। तो आज आप लोग देख सकते हैं कि 19 तारीख हो गया है मेरे भाई और कल 20 तारीख होने वाला है। तो कल के बाद खेसारी भैया काराकाट में आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। खैर, जैसे ही खेसारी भैया वहां पर जाएंगे तो आप लोगों के लिए एक वीडियो वाला अपडेट तो जरूर आएगा कि मैं काराकाट आ रहा हूं और कब आ रहा हूं, क्या आ रहा हूं, पूरा डिटेल आएगा। और जैसे ही आएगा आपका भाई जरूर आपको बताएगा। लेकिन 20 तारीख के बाद कभी भी खेसारी भैया 20 से 30 के बीच में काराकाट पहुंच सकते हैं, ये पूरी कंफर्म जानकारी है। तो चलिए अभी के लिए बस यही था खास जानकारी, सोचा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।